You being a man chose a product which is related to women hygiene. It was a tough task to make people understand about that product. 14-15 में मैं टॉयलेट सीट सैनिटाइजर लेके मैं अपने लिटरली अपने बैग में रखता था, कोई भी आते बाथरूम में प्लेन में कहीं भी मैं उनको देता था। जैसे आप किस तरह के बिजनेसेस में आज की डेट में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं? मैं सीड और एंजल इन्वेस्टमेंट में करता हूँ, जबकि जस्ट धंधा बना है, सोचा है या थोड़ा सा ट्रैक्शन आया है। आई थिंक सबसे बड़ा चैलेंज होता है अवेयरनेस बढ़ाना, उसे लोगों तक पहुंचाना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाना, उसे हर एक स्टोर तक पहुंचाना। व्हाट वाज दैट चैलेंज इन दिस एंटायर जर्नी? हाउ डिड यू चूज दिस काइंड ऑफ अ चैलेंजिंग प्रोडक्ट? And what was the thought process behind it? आज मैं आप सभी को इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं एक बहुत ही अच्छी शख्सियत से, विकास बगरिया सर से। विकास बगरिया सर ने पी सेफ करके एक ब्रांड बनाया है। वैसे वो एंजल इन्वेस्टर है, ही इज अ सीरियल एंटरप्रेन्योर एंड ही हैज बीन बिहाइंड मेनी गुड ब्रांड्स एंड बिग ब्रांड्स, बट पी सेफ इज वन ऑफ द ब्रांड्स व्हिच ही फाउंडेड एंड विद हिज वाइफ। एंड आज वो ब्रांड हाइजीन, पर्सनल हाइजीन एंड सेफ्टी के केस में काफी बड़ा ब्रांड है एंड अ वेरी पॉपुलर ब्रांड। आइए मिलते हैं विकास बगरिया सर से, जानते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। कैसे हैं विकास सर आप? वेलकम टू दिस थिंक रिच शो सर, एंड आई एम सो एक्साइटेड टू इंटरव्यू यू टुडे। नमस्कार उपेंद्र जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सो विकास सर, सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि आपके जुबानी हम सुनना चाहेंगे, व्हाट हैज बीन योर जर्नी सो फार, हाउ डिड यू गेट दिस इंस्पिरेशन टू क्रिएट बिजनेसेस, मल्टीपल बिजनेसेस, हाउ डिड यू बिकम एन एंजल इन्वेस्टर, एंड क्या चैलेंजेस आए होंगे इस जर्नी में, आपकी स्कूलिंग कहां से रही, इनिशियल फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा सर, ऑल दोस थिंग्स। आप मेरे को 25 साल पुराने ले गए, उस पे ले जा रहे हो। नहीं, मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं एक नॉर्मल मिडिल क्लास एंटरप्रेन्योर फैमिली से बिलोंग करता हूं, जो कि ब्रेकफास्ट टेबल पर डेबिट, क्रेडिट, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट क्या होता है उसको सीखते सीखते बड़े हो गए। मेरे फादर एक खुद एक बिजनेसमैन है, आई वोंट कॉल अ एंटरप्राइज एंटरप्रेन्योर राइट नाउ और अ स्टार्टअप फाउंडर राइट नाउ। सो ही स्टार्टेड वे बैक इन 64। मेरे ग्रैंडफादर वाज आल्सो एन एंटरप्रेन्योर। एक्चुअली बेसिकली वी आर कमिंग फ्रॉम राजस्थान, but I think 150 years back we moved, the entire family moved to Calcutta, so main Calcutta ka aap bol sakte ho Malwadi hu, jo ki dhanda janta hai, business janta hai, so wahi se apne dad ka inspiration leke, meri sister when she was 16 years old, jo 16 saal ki thi, wo unhone apna khud ka business chalu kiya tha way back in late 80s early 90s, जबकि आप समझ सकते हैं उस समय गर्ल्स को बिजनेस करने नहीं दिया जाता था या एंटरप्रेन्योरशिप नहीं होती थी, और वो जिस दैट शोज अबाउट द थॉट प्रोसेस ऑफ योर फैमिली देन, और वो जिस बिजनेस में गई वो थी लॉन्जरी बिजनेस। शी वाज इंडियाज फर्स्ट लॉन्जरी डिजाइनर, जो कि आज हम देखते हैं कि बड़े बड़े ब्रांड बने हुए हैं, तो उस समय तो घर में ये बोला जाता था कि घर में दर्जी खाना खुला है, जब वो खुद डिजाइन करके बेचती थी, तो उस समय का मैं बता रहा हूँ। तो वो शी हैज बीन माय इंस्पिरेशन। और जब मैं सेंट जेवियर्स कॉलेज से कलकत्ता से ग्रेजुएट किया इकोनॉमिक्स, और फिर उसके बाद जादवपुर यूनिवर्सिटी से मैंने एमसीए किया था, 97 में आई पास आउट माय पोस्ट ग्रेजुएशन, और उसी समय मैंने अपना एक नया कंपनी चालू किया था इन मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स। सो 97 उस समय बिजनेस ही बोला जाता था, स्टार्टअप वर्ड तो था ही नहीं, और उसको बोलते थे धंधा करने जा रहे, इससे दो पैसा कमा के घर में लाएंगे, बल्कि आज है कि धंधा करने जा रहा है कि फंड रेस करने जा रहे हैं। तो ये डिफरेंस है 25 साल में। सो हाँ, ये मेरी शुरुआत है, मैंने वहां से शुरुआत की थी। क्यों मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट? बिकॉज ऑफ फैमिली बिजनेस था, जस्ट दैट कि मैंने उसको एक्सपेंड किया एंड आई स्टार्टेड इन कलकत्ता, बट आई मूव्ड इमीडिएटली टू दिल्ली इन 1999, और तब से मैं आज 22 साल से दिल्ली एनसीआर में कर रहा हूँ, तो वहां से मेरी जर्नी चालू हुई थी। सो ब्यूटीफुल। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर कि जैसे फैमिली में बचपन से ही पिताजी कैसी बात करते होंगे, लेकिन जैसे क्योंकि हमने तो कभी, मेरी फैमिली में आई एम द फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर,
तो आई नेवर गॉट दैट एजुकेशन फ्रॉम पेरेंट्स. तो क्या पापा डाइनिंग टेबल वगैरह पे पूरा डिस्कशन होता था, अकाउंट्स वगैरह, बैलेंस शीट वगैरह, सभी चीजें जैसे आपने अभी बताया, एंड किस लेवल पे होता था? वर यू फोर्स टू गेट इनटू द बिजनेस, लाइक ही वाज टेलिंग यू कि 10th में हो अभी से ही बिजनेस में चले जाओ, अभी से पैसों का सब कुछ? Yeah, I think very good question. और इनफैक्ट मैं ये बोलूंगा कि बहुत डिफरेंस है एक entrepreneurial फैमिली, बिजनेस फैमिली और एक प्रोफेशनल में. आपको पता है कि आपको एक तारीख को सैलरी मिलने वाली है और उस सैलरी के हिसाब से अपना बजट बना रखे और उस बजट के हिसाब से आप अपने घर को चलाते हो. बिजनेसमैन में ऐसा कुछ नहीं होता. तो हमारे यहाँ ये होता था कि भाई आज कुछ सेल हो गया, कलेक्शन हो गए तो पैसे आए, तब जाके आप कुछ खरीद सकते हो. या मुझे अभी भी याद है सर, अगर मैं आपको बोलूं और मुझे गर्व से बोलता हूँ कि दिवाली के दिन शाम को 6 बजे शायद पापा पैसा लेके आते थे कि भैया आज जाके आप कपड़े ले आओ, क्योंकि किसी ने पेमेंट भेज दी, क्योंकि दिवाली के कारण हमने पेमेंट, क्योंकि हमें तो बोनस देना पड़ता था अपने एम्प्लॉयज को, लेकिन आपको अपने लिए लास्ट पैसे भी मिलते थे. डिस्कशन में यही होता था कि आज पैसा आया, आज पैसा नहीं आया, आज सेल हुआ, सेल नहीं हुआ, किस तरह से हम अपने मार्जिन बचाएं, बिकॉज वी आर अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली और छोटी बिजनेस थी. बट ऑफकोर्स इट वॉज अ वेरी डिफरेंट बिजनेस विच माई डैड स्टार्टेड. वो मटीरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स को फर्स्ट टाइम इंडिया में लाए थे. अगर फोर्कलिफ्ट्स अगर कोई जानते हैं, आज फोर्कलिफ्ट्स के बिना कुछ काम नहीं कर सकते थे. 1964 में ही इम्पोर्टेड द फर्स्ट फोर्कलिफ्ट इनटू इंडिया. सो बोलते हैं ना कि नया काम करने के उसको आप जो लीडर है, वो लीडर अपने लिए कुछ नहीं कमाएगा लेकिन लोगों के लिए बहुत कुछ रास्ता खोल के जाता है. तो वही मेरे डैड ने भी किया था. और वो काफी टाइम लगे थे पहुंचने में, एक जैसे एक साधारण परिवार में होता है. तो वही डिस्कशन होती थी कि पैसा आया नहीं आया इस चीज का. ग्रेट सर. तो हाउ, आई मीन आई एम श्योर सो मेनी पीपल माइट बी आस्किंग यू दिस क्वेश्चन, कि कैसे आपने यू बीइंग अ मैन चोज प्रोडक्ट व्हिच इज रिलेटेड टू वुमेन हाइजीन इनिशियली, एंड प्रोडक्ट के लिए एक्सेप्टेंस जो चाहिए लोगों के अंदर, वो एक्सेप्टेंस लाने में ही सबसे बड़ा समय लगा होगा. क्योंकि जब भी ऐसा कोई प्रोडक्ट, आई रिमेम्बर मेरे एक कस्टमर हैं, उन्होंने आई डोंट रिमेम्बर द प्रोडक्ट नेम, बट उन्होंने इसी से रिलेटेड एक प्रोडक्ट लेके आए. इट वॉज अ टफ टास्क टू मेक पीपल अंडरस्टैंड अबाउट दैट प्रोडक्ट. तो वॉट वॉज दैट चैलेंज इन दिस एंटायर जर्नी? हाउ डिड यू चूज दिस काइंड ऑफ अ चैलेंजिंग प्रोडक्ट, एंड वॉट वॉज द थॉट प्रोसेस बिहाइंड सर? थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन. आई थिंक आई हैव टू शेयर दिस. ये 2013 की बात है, लेकिन मैं 97 से 2013 आ गया, तो उसके बीच की जर्नी की मे बी वी कैन टॉक लेटर. बट 2013 में मैं और मेरी वाइफ श्रीजना हम लोग ट्रैवल कर रहे थे. मैं ऑफ रोडिंग बहुत करता हूँ, मैं लॉन्ग डिस्टेंस गाड़ी बहुत चलाता हूँ. तो दिल्ली से हम द्वारकाधीश जा रहे थे गुजरात रोड ट्रैवल करते हुए, और अहमदाबाद में उनकी तबीयत खराब हुई, उनको 103 डिग्री बुखार था. हमने गाड़ी वहीं छोड़ी, वी टुक अ फ्लाइट बैक टू दिल्ली. And she was diagnosed with UTI, urinary tract infection, and she was admitted into the hospital. Okay. So that time, doctor said ki it may have happened because I'm doing main road travel kar raha hun, road trip kar raha hun, to koi bathroom gaya honga, wo gaye honge, unke karan unko infection hua hai. Then we realized ki we went to the best of the hotels, best of the restaurants, jo ki sab saaf tha. Hame nahi laga ki wo ganda tha. Then we realized ki clean is not equal to sanitized. Right? Jo saaf dikhta hai, wo sanitized nahi hota. I'm talking about 2013. और आज पैंडेमिक ने हमें बताया कि जो साफ दिखता है वो सैनिटाइज नहीं होता. सो 2013 में वो आइडिया आया कि ऐसा क्या प्रोडक्ट बनाया जाए जो अगर टॉयलेट सीट के ऊपर स्प्रे करें तो जो उसमें इकोलाई बैक्टीरिया होता है जिससे यूटीआई होती है वो मर जाए और या खत्म हो जाए, जिसके कारण जो रिस्क होती है जो यूटीआई की वो कम हो जाए. मैं आपको कुछ डेटा देना चाहूंगा कि ग्लोबली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम 200 मिलियन वुमेन, 200 million women used to suffer from UTI annually, right? 20 million in India alone. Okay. Or one in two women in their lifespan, they got UTI. 20% of the men in their lifespan, they got UTI. So UTI is a very slow disease, जो कि हमें पता नहीं चलता कि हमें, हम बोलते हैं ना, यूरिन इन्फेक्शन है, हमें लोअर एब्डोमेन पेन है, बट वो UTI हो सकता है बिकॉज ऑफ इकोलाई बैक्टीरिया. और UTI सिर्फ वॉशरूम से नहीं होता, काफी चीज से होता है. तो मैंने इधर उधर बिकॉज आई वॉज डूइंग मैनी बिजनेसेस, तो मैंने देखा कि ग्लोबली खोजा जाए, लेकिन ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं था जो कि टॉयलेट सीट सैनिटाइजर स्प्रे के नाम से जाना जाता हूँ. राइट. सो आई कैन से एंड आई कैन प्राउडली से दैट इंडिया प्रोड्यूस्ड द टॉयलेट सीट सैनिटाइजर स्प्रे पी सेफ के नाम पर. Okay. और वो नाम पी सेफ, लोग बोलते थे पी सेफ यार ऐसा क्या नाम है यार, मेरे को तो शर्म आएगी लेते हुए उठाते हुए. बट बहुत मेहनत लगी, जैसा आप बोल रहे हो 3-3.5 साल लग गए लोगों को समझाने में कि क्या प्रोडक्ट है क्या नहीं है.
फिर हमने डिसाइड किया कि नहीं, अब हम आगे बढ़ेंगे, हम एक फेमिनिन हाइजीन ब्रांड बनाएंगे, हम एक सेक्सुअल वेलनेस ब्रांड बनाएंगे, हम एक ब्रांड बनाएंगे जो कि बोल्ड हो, जो कि बॉडी पॉजिटिव हो, सेक्स पॉजिटिव हो, जेंडर इक्वालिटी हो, LGBTQ को फेवर करे। तब से 2017 से हमने एक नई कंपनी बनाई और जर्नी चालू किया, और आपसे यहाँ तक काफी काफी अप्स एंड डाउन्स के कारण। बट अभी मैं कहूंगा कि मैं सिर्फ अभी 5% ही कर पाया हूँ जो कि कर सकता हूँ। बहुत कुछ करने को चाहिए। तो हाँ, इज इट बिकॉज 5% इसलिए कर पाए क्योंकि इज इट दैट एक्सेप्टेशन या एक्सेप्टेंस उस प्रोडक्ट का थोड़ा सा कम है, या हैव यू स्टार्टेड गेटिंग अ लॉट ऑफ ट्रैक्शन अबाउट द प्रोडक्ट एंड लॉट ऑफ सर? ट्रैक्शन बहुत है, बहुत है सर, मैं उसके बारे में बताऊंगा। हम बहुत ग्रो किए हैं, वी आर अ सीरीज बी फंडेड कंपनी, हम 150 सिटीज में अवेलेबल है, 20,000 स्टोर में अवेलेबल है, 10 कंट्री में सप्लाई करते हैं, तो वो एक्सेप्टेंस तो आ गई है। लेकिन आप एक चीज देखिए कि अगर आप शैम्पू और कॉस्मेटिक्स के अगेंस्ट कंपेयर करोगे, तो आज अगर आप फेमिनिन हाइजीन ले लीजिए, फेमिनिन हाइजीन 6,000 करोड़ का पूरा इंडिया मार्केट है, सैनिटरी पैड्स का है। 95% सैनिटरी पैड्स है, 5% के अंदर जो चीजें हम लोग आ रहे हैं बाकी प्रोडक्ट के लिए। और सैनिटरी पैड्स का पेनिट्रेशन इंडिया में क्या है सर? 30% है सर। 100 में अगर 100 मिनिस्ट्रेटर है, वो 30 मिनिस्ट्रेटर सिर्फ सैनिटरी पैड्स यूज करती है, जो जो बाकी के जो 70 हैं वो सर क्या यूज करते हैं आपको आश्चर्य होगा सर। बनाना लीव्स, एशेज, डस्ट, पुराने कपड़े, पुराने रुई, इस तरह की चीजें यूज करती है। तो आप सोच सकते हैं कि आज आज इंडिया में एजुकेशन की कितनी कमी है आज, क्योंकि ये स्टिग्मा है कि सैनिटरी नैपकिन बहुत सालों तक अभी भी वो काले प्लास्टिक में पन्नी में बांध के दिया जाता था। लेकिन थैंक्स टू मैनी यू नो इवन इवन आवर प्राइम मिनिस्टर इन 2020 रेड फोर्ट इंडिपेंडेंस डे स्पीच ही टॉक्ड अबाउट सैनिटरी पैड, द फर्स्ट टाइम फ्रॉम अ रेड फोर्ट अ प्राइम मिनिस्टर टॉकिंग अबाउट सैनिटरी पैड्स। सो दीस थिंग्स आर चेंजिंग एंड थैंक्स टू द मिलेनियल्स एंड थैंक्स टू द जेन ज़ीज़, दे आर सो वोकल दैट दे आर कमिंग एंड टॉकिंग अबाउट इट। बट यस, एक्सेप्टेंस तो आएगा सर, जरूर आएगा, बट 5% इसलिए क्योंकि पेनिट्रेशन ही 30% है, तो उसमें सब 5% करते हैं। I must tell you that it definitely needs a lot of courage to bring this kind of a product and a new industry and creating awareness, and not sirf awareness but isko confidence se, you know, wearing this hat that yes, main iske liye kaam karna chahta hu, because it's more than just an industry, I think it is a social cause as well. तो भूपेंद्र जी, मैं एक चीज में ऐड करना चाहूंगा, जब 2014-15 में मैं टॉयलेट सीट सैनिटाइजर लेके मैं आपसे लिटरली अपने बैग में रखता था, कोई भी जाते बाथरूम में, प्लेन में हो, कहीं भी हो, मैं उनको देता था। लोग कैसे देते रहे, क्या कर रहा है यार ये, मतलब हाउ कैन यू गिव मी दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट। आई स्टिल रिमेम्बर बिकॉज अब आप देखें इंडिया में यू नो फेमिनिस्ट जो है वो इस चीज में है, बहुत सारे हाईली टैलेंटेड वुमेन, they are doing this kind of you know stuff in terms of NGO something like that, but I was the first man who was doing product for females. So kabhi koi is tarah ke events hote the na, offline to bahut events hote the, wahan par sirf women hi hote thi aur women hi consumer aur audience hota tha, aur bolne wale bhi, to main bolta tha yaar mujhe bula lo, bula no, this is only a women's event, but wo change hua 2017 mein. I remember mere ko pehla event mein bulaya gaya sir, wahan par there were 200 women and I was the only man. और मुझे अभी भी याद हो, पिक्चर शायद मेरे पास कहीं हो, कि स्टेज पर सब सब चार वुमेन इधर बैठी है, चार उधर बैठी, बीच में मैं एक बैठा हूँ। आई वॉज फीलिंग लाइक एंड आई कैन नाउ टेक दैट कॉल कि जब एक वुमेन सब मेन के बीच में होती है कैसा फील होता है। बट आई थिंक दैट डे पीपल एक्सेप्टेड कि यस, एज अ मैन ऑल्सो आई कैन थिंक एंड आई कैन क्रिएट प्रोडक्ट फॉर वुमेन। और बट ये पूरी बैकिंग मेरी वाइफ की है, बिकॉज शी इज माय पिलर बिहाइंड इट इन टर्म्स ऑफ यू नो डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्ट। Well, she is media shy. She doesn't want to come in front, but she is the pillar in terms of designing the product. Or फिर मेरा entrepreneur जो है entrepreneurship है, उसको मैं product को design उसको light दिखाता हूँ। So beautiful. अच्छा विकास सर, आप भी angel investor हैं, तो अभी भी आप invest करते हैं companies में? जी, मैं अभी भी करता हूँ। Alright. So जैसे आप किस तरह के businesses में आज की date में invest करना पसंद करते हैं सर? Because इससे हमें पता लगेगा कि कौन कौन सी लाइंस हो सकती है जिनकी तरफ इन्वेस्टर्स देख रहे हैं, मे बी दे आर द लाइंस ऑफ फ्यूचर जिन पे अभी तक हमारा थॉट्स नहीं गया हो सर। सर ऐसा है कि मैं खुद के पैसे से करता हूँ, कोई मैं बाहर से पैसे ला के नहीं करता, मेरे पास कोई इन्वेस्टमेंट बैंकर नहीं है जो मेरे लिए कोई डील लेके आएगा। अगर मेरे पास कोई अप्रोच करता है, कोई एंटरप्रेन्योर, तो मैं देखता हूँ कि वो क्या करना चाहता है जिंदगी में, वो कितनी भूख है उसके अंदर, उसका बैकग्राउंड क्या है, राइट? ये बहुत जरूरी है मेरे लिए। मैं सीड और एंजल इन्वेस्टमेंट में करता हूँ, जबकि जस्ट धंधा बना है, सोचा है या थोड़ा सा ट्रैक्शन आया है,
और मेरा 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 जो टिकट साइज भी है बहुत छोटा है, 5 से लेकर 20 लाख रुपया तक है, उससे ज्यादा मैं नहीं करता, बिकॉज अगेन आई एम नॉट अ वेंचर कैपिटलिस्ट, इट्स जस्ट दैट व्हाट आई हैव अर्नड आई इन्वेस्ट इन दिस। सेकेंडली मैं अपने आप को सोचता हूँ कि मैं 97 में अगर धंधा करता तो मैं उस समय, मुझे याद है सर, 2000 में क्रेडिट कार्ड से लोन लिया था मैं 36% इंटरेस्ट में, 1 लाख रुपया लोन लिया था, वो कट के पैसा आया था सर, 1 लाख रुपया लोन लिया, 36% पहले से कट गई एक साल का, उतना रुपया मिला था, तो आप सोच सकते हो कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। लेकिन आजकल कैपिटल अवेलेबल है, तो जिसको भी मैं दे रहा हूँ 5 लाख रुपया दे रहा हूँ, तो मैं अकेला नहीं हूँ, 3-4 लोग और भी दे रहे हैं साथ में मिलकर, तो पहला इन्वेस्ट करता हूँ मैं उस आदमी पर, उस आदमी पर कि आज वो या तो वो यंगस्टर है कॉलेज से निकला है या फिर वो मेरे एज का है, जब मैंने स्टार्ट की थी मैं 40 साल का था, 7 साल हो गया, 47 नाउ, कि वो अपने सब कुछ छोड़ छाड़ के इसमें इसमें करने के लिए आया, एक स्टार्टअप कर रहा है। मैं ये भी देखता हूं कि वो कितने साल तक या कितने महीने तक बिना पैसे लिए जी सकता है। मैं उससे जरूर पूछता हूँ कि भाई आपकी सेविंग्स क्या है, क्या आप 24 महीने तक बिना बिजनेस से पैसे निकाले रह सकते हो? बोले, अगर वो बोलेगा हाँ तो ठीक है, नहीं तो क्या होगा, वो हार जाएगा सर, वो 12वें महीने में वो हार जाएगा। एब्सोल्युटली, जब घर नहीं चलेगा वो उसको बंद कर देगा। बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को जानना। सो दोस्तों, आप सभी को सीखना पड़ेगा ये चीज कि कहीं ना कहीं फंड्स मिलता है, मिल सकता है, बट आपको भी उसी हिसाब से तैयारी करनी होगी कि आपको इक्विटी ज्यादा चाहिए या फिर आपको फंड्स चाहिए, या आप कहीं ना कहीं से सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हो, आपके आपके बिजनेस का स्टेज क्या है। और विकास सर ने बहुत ही अच्छे से आपको ये समझाया है, सो दैट आप में से कई लोग मुझसे ये सवाल पूछते रहते हैं, सर इक्विटी लाना है, फंड्स लाना है, कैसे लाएं? आप बिजनेस प्लान बनाइए, अच्छे से बिजनेस प्लान बनाइए, बट यू नीड टू बी वेरी क्लियर कि आप कितना स्टेक दे सकते हो, कितना नहीं दे सकते हो। और इसके लिए थोड़ा सा जानकारी के लिए और ज्यादा आप चाहें तो शार्क टैंक्स देख सकते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा और एनर्जी, ऊर्जा और नॉलेज मिले। सर अब नया जब ब्रांड बनता है, जैसे मेरे माइंड में भी कई बार आइडियाज आते हैं कि यार ये वाला ब्रांड बना लेते हैं, इस क्षेत्र में अपॉर्चुनिटी है, लेकिन डर जाते हैं कि सबसे बड़ा चैलेंज ये नहीं है कि उस ब्रांड को डेवलप करना या उसका प्रोडक्शन लाना। आई थिंक सबसे बड़ा चैलेंज होता है उसका अवेयरनेस बढ़ाना, उसे लोगों तक पहुंचाना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाना, उसे हर एक स्टोर तक पहुंचाना। तो सर ये आपने कैसे किया, क्योंकि आज आप कह रहे हैं कि 10 से ज्यादा कंट्रीज में ये है, 10,000 से ज्यादा स्टोर्स में ये है, तो विच ऑल द चैनल्स डिड यू यूज टू टेक इट टू दोज मेनी प्लेसेस एंड हाउ डू यू कंट्रोल दोज चैनल्स? सर उससे पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि आपने जैसे कहा कि मेरे दिमाग में आता है कि मैं ये ब्रांड बना लूं, वो ब्रांड बना लूं, सर आज भी इतने सालों बाद मैं 25 साल से काम कर रहा हूँ सर, सुबह उठता हूँ मेरे पास कम से कम 100 आइडिया होती है और रात को मैं वो 100 आइडियोज के साथ सो जाता हूँ, बिकॉज पूरे वो 12 घंटे में मेरे पास एग्जीक्यूशन प्लान नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल, जिस दिन आपके पास एग्जीक्यूशन प्लान आ गया तो जो आपकी जो आइडिया है इट्स ऑल अबाउट एग्जीक्यूशन सर, कि आप एग्जीक्यूट कैसे करोगे। आपके पास भी 100 है, मेरे पास भी 100 प्लान, लेकिन मुझे एग्जीक्यूशन नहीं आता। पहले तो एग्जीक्यूशन सोचो कि आप एग्जीक्यूशन कैसे करोगे। अगर आपके पास एग्जीक्यूशन आ गया देन वो जिद पकड़ लो कि व्हाट यू हैव स्टार्टेड यू विल फिनिश इट। एब्सोल्युटली सर, आई विल गिव यू एन एग्जांपल इफ यू अलाउ मी। 2002 हमने मैंने एक वेंचर के साथ जॉइंट वेंचर किया, सॉरी कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर किया था, अमेरिकन कंपनी थी, अहेड ऑफ इट्स टाइम, जो कि मेरे एरोस्पेस एंड डिफेंस बिजनेस है। वहां मुझे एक इक्विपमेंट बेचनी थी, डिफेंस में बेचना था, वेरी हाई एंड इक्विपमेंट में बेचना था सर। 3 महीने हो गए थे, कोई भी सेल नहीं हुआ था, 1 पैसे का सेल नहीं हुआ था। 6 महीने हो गए, 1 पैसे का सेल नहीं, जाके रोज इन सबको, और मैं 2002 की बात बता रहा हूँ सर, उस समय ईमेल्स होते थे, फैक्स ईमेल्स बहुत कम होते थे, फैक्स होते थे, बहुत अलग अलग जमाना था सर 2002। ट्रैवल करता था, जाके लोगों को एग्जाम्पल दिखाता था, डेमो देता था, लेकिन कोई खरीदते नहीं थे बिकॉज कॉस्टली था। सर 9 महीना हुआ, फ्रेंड्स एंड फैमिली बोलने लग गया, तुम्हारी पुरानी जो बिजनेस है उसी पर ध्यान दो, इस पर क्यों ध्यान दे रहे हो, बंद कर दो, ये नहीं चलेगा। लेकिन मैं देखा दुनिया में चल रही है और मैं फोर्स आटेड था कि हो सकता कुछ काम करें। 12वें महीने में पिताजी ने कहा यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम, 1 पैसे का सेल नहीं हुआ, 1 पैसे का सेल नहीं हुआ। ऑफकोर्स उसमें स्टार्टअप जैसा नहीं था कि मैं बर्न कर रहा हूँ, ये नहीं कर रहा हूँ, बर्न वॉज माई टाइम, माई लाइफ एंड आई एम गोइंग एंड मीटिंग पीपल एंड शोइंग डेमो। सर 15 महीने बिक गए, 1 भी सेल नहीं हुआ। तब मेरी वाइफ ने अगेन 2002 में, बिकॉज शी हैज बीन अ पार्टनर, शी हैज बीन अ डायरेक्टर एंड फाउंडर फॉर ऑल माय बिजनेसेस, लेट्स डू वन थिंग, शेयर में जैसे अपने स्टॉप लॉस करते हैं ना, अपने लाइफ में स्टॉप लॉस करते हैं,
ठीक है, क्योंकि जो बोलते हैं ना कि हमारे जो गोद का बच्चा उसको ध्यान नहीं दे रहे हम, और बाकी पर ध्यान दे रहे कि आगे क्या प्लानिंग करनी है. राइट. सो तो दे सेड कि व्हाई डोंट यू लुक इनटू योर ओन बिजनेस बट यू गिव दैट 3 more months. अगर आप उसको सेल कर सकते हो, अगर एक पैसा आ गया तब तो हम काम करेंगे, नहीं तो हम बंद कर देंगे. हमने बहुत मेहनत की. 18 महीने में मेरे पास एक सिंगल ऑर्डर आया 1000 रुपए का सर. ओके. 18वें महीने पहला इनवॉइस, वो पॉन्डिचेरी में था मेरे को, और वो ऐसा प्रोडक्ट था कि हैंड डिलीवर करना था, और आप प्लेन में नहीं जा सकते. मैंने ट्रेन में चेन्नई गया, चेन्नई से पॉन्डिचेरी गया, दिया फ्लाइट से वापस आया. 48 घंटा लगा, 48 घंटे लगे थे मुझे डिलीवरी करने में पर्सनली, और 1000 रुपए के ऑर्डर के लिए. और जब मैं वापस आया फिर से फोन आया मुझे, फिर वो 1000 रुपए का ऑर्डर चाहिए. मैंने फिर से फिर 48 घंटे गए सर. माई गुडनेस. कोई भी चीज स्टार्ट करने के लिए अगर आप सोच लो कि आप उसको एंड तक ले जाओगे, एंड आई थिंक दैट वॉज द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मी, मैंने अपनी जिंदगी से सीखा कि अगर आप सोच लियो, बिकॉज एक अगर अगर आप सोचो, अगर मैं 15 महीने बाद उसको बंद कर देता, मैं कुछ और बिजनेस चालू करता, फिर शुरू से चालू करता, फिर वो सक्सेस नहीं होता, 10 महीने बाद फिर बंद करता, फिर शुरू से चालू करता, तो मैं कम से कम 30 महीने अपनी जिंदगी खराब कर चुका होता. बट सो ब्यूटिफुल सर, क्योंकि ये डिटर्मिनेशन ही चाहिए, अदरवाइज कोई भी बिजनेस में हम लोग सफल नहीं हो सकते. एंड आज सर यही मैं देखता हूँ, कई बिजनेसमैन चाहते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाएं, लेकिन उनको हम कहते हैं बिजनेस प्लान बनाओ, नहीं आता सर. अच्छा सेल्स के लिए नया कुछ सीखो, नहीं सीखना सर. अच्छा कोई बात नहीं, जाके 50 कस्टमर से मिलो, अरे सर बहुत डिफिकल्ट है. सो एक्सक्यूजेस ज्यादा हो जाते हैं, और डिजायर्स और एक्सक्यूजेस दोनों बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं. तो आई थिंक मेनी पीपल आर नॉट एबल टू डू इट सर. सो व्हाट वुड बी योर एडवाइस टू ऑल दोस एंटरप्रेन्योर्स सर, जो कि काफी सालों से एक दुकान डाल के बैठे हैं, उनका सपना है, सपना था जब दुकान डाली थी तो पूरे देश में फैलेंगे, दुनिया में फैलेंगे, लेकिन फैल नहीं पाते, फैल नहीं पाते, और इसीलिए नहीं फैल पाते क्योंकि इतनी कीमत जो आप चुका रहे थे जिसके लिए 48 आवर्स एक सिंगल डिलीवरी के लिए, वो भी 1000 रुपए का माल डिलीवर करने के लिए, ये कीमत नहीं चुकाते. तो ऐसे लोगों को आप क्या एडवाइस देते हैं सर कि व्हाट कैन दे डू? जैसे कई रेस्टोरेंट्स ओनर, कई शॉपकीपर्स बैठे हैं, दे डोंट थिंक समथिंग अहेड, दे थिंक दे कीप वेटिंग फॉर द कस्टमर, और अभी लॉकडाउन है तो फिर वो घर बैठ गए, टीवी देख रहे हैं आराम से, कुछ नहीं कर रहे हैं. सर दुनिया काफी चेंज हो गई है. आज पहले क्या था सर, मैं भी करता था 99, 2000, 2001 में 2005 तक सब कुछ अपने आप करना चाहता था. मैं अपने बिजनेस में ट्रांसपेरेंसी और ओपननेस नहीं थी जी. आज अगर कस्टमर से तो मैं ही बात करूंगा, इनवॉइस से तो मैं ही रखूंगा, परचेज से तो मैं ही करूंगा. इसके इससे आप एक मेंढक ही रह सकते हो, लेकिन अगर आप लोगों को हायर करते हो तो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ो. एज एन एंटरप्रेन्योर, यहाँ जो भी मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको ये बोलूंगा, एज एन एंटरप्रेन्योर अगर आप बिजनेस के ओनर हो, एक टीम बनाओ. टीम बहुत इंपॉर्टेंट है, उस टीम को रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, एक एक करके दो, बहुत जरूरी है. मैं बोलूंगा आज आज आप लोग बोलोगे कहना इजी है, लेकिन मैं शुरू से किया हूँ, चाहे छोटे से रूप में किया हूँ, आज बड़े रूप में करता हूँ. तो जब शुरू के 3-4 लोग थे तो सर हाउ डिड यू यूज टू मैनेज देम? सर मेरी वाइफ ऑफिस में बैठ के फैक्स और ईमेल पर जवाब देती थी, एक जन पैकिंग करता था, और मैं 25 दिन ट्रैवल करता था सर. माय गुडनेस. 20 दिन मैं लोगों के पास जाता था और मिलता था, भाई मैं आया हूं, बिकॉज मेरा मेरा सेल्स का काम था. और अगर आपको सेल्स आता है, आपको सब कुछ आता है, एवरीथिंग इज सेल्स. आज आप एक पेरेंट्स है तो आपको अपने आप को बेचना पड़ता है बच्चों के सामने. Absolutely. बच्चों को अपने पिता के सामने बेचना पड़ता है, मुझे ये चाहिए या यहाँ पढ़ाई करना. तो एवरीथिंग इज सेल्स इन लाइफ, यू हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ सेल्स. आज आज मैं अगर आपको कुछ बोल रहा हूँ तो मैं सेल्स ही कर रहा हूँ ना. जी जी जी. आपको कोई चीज के बारे में बता रहा हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बता रहा हूँ, सब चीज के बारे में बता रहा हूँ. सर मैं यही बोलूंगा कि बहुत जरूरी है हम भाई जो दुकान में बैठे हैं वो अडॉप्ट करें चेंज को. Absolutely. और एज एन एंटरप्रेन्योर व्हाट आई हैव डन इज आई हैव स्टॉप्ड वर्किंग इन टुडे. एब्सोल्युटली. आई हैव स्टॉप्ड वर्किंग इन टुडे. आई सो टुडे इज जनवरी बट माई माइंड सेट इज ऑफ दिसंबर 2022. वाओ. कि मैं दिसंबर 2022 को अगर हूं तो मैं क्या करूंगा. मैं वो करके अपने लोगों को देता हूं और वो लोग यहाँ पर उसको एग्जीक्यूट करते हैं. क्या बात है. ठीक है, मैं आज एक एक एक, एक मुकाम पर हूं, कर सकता हूं, लेकिन उस समय मैं क्या करता था, मैं सेल्स के लिए जाता था, मैं ऑर्डर लेके आता था और मेरे लोग यहाँ पर उसको शिप करते थे. करेक्ट. तो यू हैव टू वर्क, यू हैव टू डिवाइड योर रोल. बट अगेन मैं बोलूंगा हर बिजनेस अलग अलग होता है. अब ये रेस्टोरेंट ओनर है, आज लोग नहीं आ रहे हैं, या हम क्लाउड के साथ जोमैटो के साथ मिल जाए, राइट right? अपना अपना कॉस्ट कम करने के लिए अगर 25 सीटर उसको 20 सीटर बना ले, 10 सीटर बना ले और उसको होम डिलीवरी कर ले. आज हम अगर हम कुछ सामान बेचते हैं
राइट, कैसे हम डिजिटल पर आ जाए, डिजिटल पर आने से हम हमारी हमारी क्या विजिबिलिटी आ जाएगी, राइट एब्सोल्युटली ठीक है, आई नो डिजिटल इज वेरी एक्सपेंसिव राइट, बट एक विजिबिलिटी आ जाएगी। अगर आप एक लोकल बिजनेस बनाना चाहते हैं तो आप लोकल कैसे बना सकते हो, कैसे व्हाट्सएप के थ्रू बेच सकते हो, व्हाट्सएप जो इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन है वो सब कर सकते हो, लेकिन आपको निकलना पड़ेगा। एब्सोल्युटली सर मैं 2013 से लेके अभी तक जब भी प्लेन में जाता हूँ, प्लेन में घुस के अपने को राइट मूव करना पड़ता है ना अपने आइल्स में बैठने के लिए, मैं लेफ्ट घूमता हूँ वॉशरूम की तरफ, एक पीसेफ का बॉटल वॉशरूम में छोड़ के जाता हूँ अपने सीट पर। Awesome. क्या है सर, लोग देखेंगे पीसेफ, समझ में, आज पीसेफ की जरूरत नहीं है सर, आज हमने कम से कम 10 लाख बॉटल बेच चुके इतने सालों में, लेकिन एक जो माइंड है कि वॉशरूम में जब दिखेगा वो दिखेगा। मैंने स्टिकर चिपकाया है ऐसा पब्लिक वॉशरूम में जाके, कोई कॉन्फ्रेंस हॉल हो चाहे कहीं भी हो चाहे सिनेमा हॉल हो, मुझे मुझे फेंका भी, बहुत लोग फोन भी किया था, भैया किसी ने स्टिकर चिपकाया आपके यहाँ से, कौन चिपका रहा, मतलब नहीं चिपकाया हूँ यार, फाइन कर दो, करना है तो क्या, लेकिन जब आपको करना है सेल्स, यू हैव टू डू दैट, सो यू हैव टू बी शेमलेस टू डू इट। आई थिंक दैट टॉक्स अबाउट योर कन्विक्शन अबाउट योर प्रोडक्ट सर। सो ये कन्विक्शन जिसके अंदर है वो डेफिनेटली सेल कर पाएगा, अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो सर जो ये कन्विक्शन है, ये कन्विक्शन आपको इसी प्रोडक्ट के बारे में रहा या बाकी सारे बिजनेस के बारे में आपके अंदर रहा? सर 18 महीने तक विदाउट एनी सेल अगर आपको रहना है तो कन्विक्शन ही तो था, नहीं तो कैसे होता सर। वेरी ट्रू सर, मैं यहाँ पे आपको बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगा, यू आर अ वेरी गुड स्पीकर एंड यू हैव गॉट अ चार्म इन योर वॉइस, आई थिंक जो कि बहुत सूदिंग है और बहुत कैप्टिवेटिंग है सर, एंड दैट्स कमिंग फ्रॉम यू रियली मींस अ लॉट सर, बिकॉज़ आई एम नॉट अ प्रोफेशनल स्पीकर, मैं हमेशा दूर भागता हूँ पब्लिक speaking say, so thank you so much for this guy. You, I think you should be more on the stage sir, I think you should be more on the stage. आपसे सीखूंगा सर, really... आपसे सीखूंगा सर, आप बताइएगा, yeah. because I'm never a public speaker, जो आता मन से बोलता हूँ सर। जरूर सर, थैंक यू सो मच विकास सर, एंड थैंक यू सो मच टू हिमानी मैम आल्सो फॉर ब्रिंगिंग यू हियर सर, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच वी हैव लर्नड इन दिस इंटरव्यू, बिकॉज ये आपने जो भी शेयर किया है सर वो दिल से शेयर किया और आपकी जर्नी के बारे में शेयर किया है, एंड आई थिंक ये बातें किताबों में नहीं मिलती है, एंड आई थिंक वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स जो कि हम ज्यादा से ज्यादा देख के या सुन के सीखते हैं, पढ़ के बहुत कम लोग सीख पाते हैं, तो आई थिंक दिस इंटरव्यू इज गोइंग टू गिव अ लॉट ऑफ बूस्ट टू ऑल ऑफ अस, एंड ये सर अभी लाखों लोगों तक पहुंचना अभी बाकी है। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट, आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू, लॉट लुक फॉरवर्ड टू लर्न अ लॉट फ्रॉम यू, एंड सी पी सेफ ग्रोइंग मच फास्टर देन लाइकवाइज सर, थैंक यू सो वेरी मच फॉर हैविंग मी, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माय, थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Thank you, Vikas, sir. Love you, sir. Goodbye.